So Instagram people, we are back again. So हम वापस आ गए. Please do join everyone. सब फटाफट से join हो जाओ. आ रही है. I'm doing hydro defining. Okay, okay. हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी पर कशिश मैम की नहीं आ रही थी आवाज, इसलिए हमने वापस रीस्टार्ट किया है. We started it again. Do join. Should I zoom? Okay, वर्षा. So आईडो डिफाइन भी हम बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल ही रख रही हूँ. मैम प्लीज ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन बता दीजिए. ड्राई स्किन के लिए आप कोई भी क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज करिए, क्योंकि ड्राई स्किन पे आप जितना क्रीम बेस्ड यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होगा स्किन पे. जूम कर लो. सो क्रीम बेस्ड आप यूज करो. आईब्रो शीड, डार्क ब्राउन. मैम यू आई मेकअप, थैंक यू. स्वेट प्रूफ फाउंडेशन, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं भी आता है डियर, आपको अच्छे से उसको सेट करके ही स्वेट प्रूफ बनाना होता है. सो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं आता कि आपका स्वेट कंट्रोल हो जाएगा उससे, ऐसा नहीं है. दिस वीडियो विल सेव. यस, मैं पार्ट वन ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ और ये पार्ट टू भी मैं सेव कर दूंगी. क्राइलॉन पैलेट कहाँ से बाय करें प्लीज बताइए. आप क्राइलॉन के स्टोर से बाय कर सकते हो. मैम इल्यूमिनेटर और हाइलाइटर सेम है या अलग है? अलग अलग है. लूज पाउडर पीएससी में कौन सा नंबर लेना चाहिए? बनाना पीएससी का बनाना लूज पाउडर बहुत अमेजिंग है. सो यू गाइस कैन टेक इट. और फ्रेशर्स, अगर आपका स्टार्टअप है तो बनाना पाउडर पीएससी का बहुत अमेजिंग है. उससे बेस जो है बहुत अच्छे से सेट होता है, जल्दी जल्दी सेट हो जाता है. सो इट्स अ मस्ट बाय. सुप्रा की कौन सी पैलेट लेनी है? सुप्रा की कौन सी पैलेट लेनी है? एफएस लेनी है आपको. मैम आपके हाथों में जादू है. थैंक यू डियर. सारे फाउंडेशन, सारे ब्रांड के फाउंडेशन अच्छे होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, किस तरह से ब्लेंड कर रहे हो. नाउ द बेस्ट पार्ट कम्स इज बिंदी. ब्रश कौन सा यूज किया मैम आपने? एंगल ब्रश. मैम सुप्रा में फॉरएवर 52 फाउंडेशन मिक्स कर सकते हैं? जी मिक्स कर सकते हो. सुप्रा में आप मिक्स एंड मैच करके क्रिएट कर सकते हो. सो बिंदी के बाद अलग ही लुक. अच्छा यू गाइस लेट मी नो, हमको काजल कौन सी कलर की मैं लगाऊं? काजल में कौन सा शेड अप्लाई करूं? विच काजल? लिपस्टिक पैलेट आप डिलेंसी की ले सकते हो. सो फर्स्ट मैं ब्लश ऑन लगा देती हूँ तब तक. सो आई एम यूजिंग आई मैजिक ब्लश ऑन पैलेट. मैम जो है वो गुजरात से है, गुजरात में सूरत से है. आई मैजिक ब्लश ऑन पैलेट. मैम अगर आईब्रो डिफाइनिंग में कुछ रॉन्ग हुआ हो तो उसे कैसे सही करें? आप उसको कंसीलर से कवर अप करके सही कर सकते हो. मैंने सारा लूज पाउडर निकाल दिया है पहले. ग्रीन. सो द पैलेट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम आई मैजिक. व्हाइट ग्रीन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एवरीवन. इट्स पीके पिकअप स्टूडियो. और अगर आपको नहीं मिले मेरा यूट्यूब चैनल तो आप मेरे बायो में लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का,
आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मेरे बायो में ऑलरेडी लिंक है यूट्यूब चैनल का। ग्रीन काजल बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट प्लीज बिंदी। ग्रीन यूज अ बिट बिगर बिंदी। एक्चुअली बिंदी नहीं है गाइस, एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ बंद है। मुझे बड़ी बिंदी चाहिए थी बट इट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मुझे बड़ी बिंदी लगानी थी। मैक स्टूडियो फिक्स में मेरा शेड NC42 है, तो हुडा ब्यूटी में कौन सा होगा? NC42 है तो हुडा ब्यूटी में आपका कौन सा है? बटा पीकन भी आप ले सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो चेक ब्राउन शुगर। आप दोनों में से पहले शेड चेक कर लो कि आपके ऊपर कौन सा प्रॉपर जाएगा। नायका के स्टोर पे जाके यू गाइस कैन चेक इट आउट। मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन, मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। सेटाफिल इज फॉर ऑल स्किन टाइप, अगर सेटाफिल नहीं तो आप उसके अलावा एम्ब्रोलिस भी ले सकते हो। हमने गाला के लेंस यूज किए और शेड है उसका प्योर हेजल। प्योर हेजल यूज किया हुआ है हमने, यस। हम सिर्फ एक्सेसरीज लगा रही हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। मोटी टिक्की लावा। टिक्की नहीं है, मोटी टिक्की नहीं है। एक्चुअली यहाँ लॉकडाउन है, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है एंड क्या कर सकते हैं, जो है वो मैंने अभी लगा दिया। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया मैम? आईब्रो डिफाइनिंग के लिए एनास्टासिया का पोमेड हमने यूज किया है। लेंस का शेड है प्योर हेजल। प्योर हेजल, यस। मैं ब्लैक जेल लाइनर ही यूज कर रही हूँ आईज में, ब्लैक ही यूज करूँ ना। आई एम यूजिंग ब्लैक जेल लाइनर, गाला का ब्लैक जेल लाइनर। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, सेटाफिल। एक बार और रिपीट कर दो, मॉइस्चराइजर फॉर डेली स्किन। एम्ब्रोलिस भी यूज कर सकते हो एंड सेटाफिल भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। मेकअप स्टूडियो का बेस मीडियम टोन पर जाएगा। हाँ, बेज इज फॉर मीडियम टोन, यस। मैम ने हुडा ब्यूटी और सुप्रा दोनों को मिक्स करके फाउंडेशन बनाया है आज। मैंने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरी आईडी पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। हुडा ब्यूटी फाउंडेशन फॉर फेयर स्किन में कौन सा जाएगा? राउंड बिंदी नहीं लगा सकते, महाराष्ट्र में यही बिंदी जाती है, सो राउंड बिंदी मैं नहीं लगाऊंगी, सॉरी। बट शूट के टाइम पे आई विल ट्राई, मैं ड्रॉ करूंगी, मैं ट्राई करूंगी, मैंने कभी ड्रॉ नहीं किया। नीचे मैं थोड़ा सा ग्रीन शेड दे रही हूँ पहले। राधिका जी मेरे को मेकअप करवाना है। कौन सी राधिका? राधिका प्लीज गो एंड डू योर जॉब, डोंट टॉक टू मी। माझी बायको खूपच गुड दिसत आहे।
शांति थैंक यू माजी भाई को फेसबुक पीपल डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इट्स कशिश जैन 613 और इसको मैं ब्लेंड करूंगी रेड आई शेडो से मेकअप स्टूडियो का बेस बताइए ना कोई मेकअप स्टूडियो का मैंने आईजीटीवी ऑलरेडी रखा हुआ है आप लोग चेकआउट कर सकते हो लूज पाउडर कौन सा है लूज पाउडर मेकअप स्टूडियो का है एंड द शेड इज बनाना Forever 52 के फाउंडेशन कौन से शेड के लिए 4 and 7 काजल कौन सा है काजल मैंने गाला का जेल लाइनर यूज किया हुआ है यस ये वीडियो सेव रहेगा एंड नहीं भी होगा तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मिल ही जाएगा कैसा लग रहा है हमारा ये ब्यूटीफुल लुक अभी बाकी है बहुत क्लियर दिख रहा है मेकअप यस इट्स सुपर क्लियर एकदम एचडी दिख रहा है एचडी यूट्यूब पे इससे भी ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको मैं लाइनर का टचअप एक बार कर रही हूं और टचअप के लिए मैं कलोबा का लाइनर यूज कर रही हूँ लाइनर का टचअप कर रही हूं ताकि लाइनर अच्छे से दिखे एकदम मस्त लग रहा है ब्यूटीफुल वाव मेकअप थैंक यू गाइस फेंटी ब्यूटी शेड्स आई डोंट यूज फेंटी ब्यूटी मैं यूज नहीं करती हूँ फेंटी ब्यूटी गॉर्जियस मेकअप थैंक्स अ लॉट सो लिप शेड हम ऑरेंज लगाए ऑरेंज बोल रही हूँ ऑरेंज प्लस रेड मिक्स करके कुछ क्रिएट करे ऑरेंज बोल थैंक यू मम्मी करो टीवी I really appreciate your hard work. Thanks a lot. Jackass makeup. खूब सुंदर मस्त सो गुड लव फ्रॉम नेपाल थैंक यू सो मच आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो मैम थैंक्स अ लॉट एवरीवन कैन यू यूज सेटिंग पाउडर इंस्टेंट ऑफ लूज पाउडर नो लूज पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन सेटिंग पाउडर लूज पाउडर इज मोर इम्पोर्टेंट सो मैं मैक का शेड यूज कर रही हूँ मैक का feels so grand 105 number use kar rahi hu main lipstick ka best makeup artist in the town thanks a lot Kryolan Supra main kaun sa palette number lu ma'am fs lena hai aapko fs mere se saman bahut zyada lete hain
प्रोडक्ट पे इतनी जल्दी है, क्या बताऊं। नहीं क्यों बैठे हो, लिपस्टिक शेड है फील्स सो ग्रैंड फ्रॉम मैक। मैम आप कहाँ से हो? हम गुजरात सूरत से है। योर मॉडल इज माई डॉटर्स फ्रेंड। मैम सजेस्ट समथिंग फॉर लाफिंग लाइन्स। मेकअप क्रैक होता है हमेशा लाफिंग लाइन्स से। टचअप करना पड़ेगा डियर आपको। मॉडल सुंदर है बट मैम ने उसे और भी ब्यूटीफुल बना दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र मॉडल रेडी, एकदम रेडी। हाँ स्टिक मैम ने ली, कौन सी ली अपनी? मैकी फील्स सो ग्रैंड। लिप ब्रश is from PAC. Which lipstick are you using? I'm using matte liquid lipstick and the shade is feels so grand 105 number. कल हमारा live session है at 3 PM. Don't forget to join it. एफ एस पैलेट लेनी है। लिप्स पे मैं थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई करूंगी। अच्छा लेंस जो है वो है गाला के और उनका जो शेड है लेंस का कलर वो है हेजल। प्योर हेजल। प्योर हेजल और ब्रांड नेम है गाला। Brand name is Gala and the shade is Pure Hazel. Lots of love from UAE. Amazing makeup. Thank you. Marathi bridal ready aate to. मैं मुड़ा मराठी बोला। मेरे को मराठी जरा भी नहीं आती है। शान लगे। खूब शान दिखते और बस ऐसे थोड़ा बहुत अभी बिल्कुल अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मुझे। जेवन करी लो। जेवन करी लो मतलब खाना खा लो। हमारे सारे स्टाफ जो है वो मराठी बट हमको मराठी नहीं आती। मेकअप इज वेरी नाइस। सुप्रा का फेयर शेड मैम। सुप्रा का फेयर शेड FS22 आइवरी। मुझे एक दूसरे मैं आई शेडो नहीं लगा रही हूँ, मैं लिपस्टिक ही लगा रही हूँ बिकॉज इतना रेड आई शेडो एक्चुअली मेरे को मेरे मैच में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो मैं लिपस्टिक ही लगा रही हूँ। लिप ब्रश नंबर 383। मैम ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? वी विल अपडेट यू इन 2 to 3 days। वाओ लाइक एंजल। खूब खूब शान। थैंक यू सो मच। लेंस के ब्रांड है गाला। गाला के लेंस लगा रखे हमने। ये वीडियो सेव रहेगा, अगर यहाँ पे सेव नहीं रहेगा तो आप मैम के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो सेव रहेगा, वहां पर भी देख सकते हो। सो ब्यूटीफुल सुपर मैकोर मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आईजीएल ट्राई हो तो आप उसमें डुअल लाइनिंग्स कीजिए डियर। ऑसम। अभी अपना हाइलाइटर तो बाकी है। मैक की लिपस्टिक यूज की है मैम ने।
रिक्रिएट आपको फ्राइडे तक करना है ये लुक। इट्स ब्यूटीफुल मेकअप मैन। लिप ब्रश कौन सा है मैम? ये बीएससी का 383 नंबर है। लिप ब्रश जो मैम यूज कर रहे हैं वो पीएससी का 383 नंबर का ब्रश है। नाउ आई एम यूजिंग पोजो हाइलाइटर, सेम जो मैंने यूज किया था पहले। ये जो लुक है रिक्रिएट करके मैम को इंस्टा आईडी पे, उनकी इंस्टा आईडी है kashijin613, उसके ऊपर आपको सेंड करना है स्क्रीनशॉट लेके। लुकिंग लाइक पिकॉक। मैम का यूट्यूब चैनल है पीके मेकअप स्टूडियो। अगर आप पीके मेकअप स्टूडियो को सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मैम के सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। रियली मिसिंग यू मैम, आपके वहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, मुस्कान मैम एंड कशिश मैम। गोपाल कौन है? गोपाल, क्या बात है, आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गए अब तो, एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने आपका यूट्यूब पे भी वीडियो देखा था। मैम हाइलाइटर कौन सा यूज किया है? पोजो हाइलाइटर। मैम आपने बहुत प्रीटी लुक क्रिएट किया, आई लव इट। थैंक यू डियर। मैम आपके बात करने का तरीका बहुत सुंदर है। ये वाटरप्रूफ मेकअप है? ये एकदम वाटरप्रूफ है, मैं पानी डाल के नहीं दिखाऊंगी। लेकिन आप यूट्यूब पे जाके वाटरप्रूफ मेकअप देखो, सारे मेकअप वाटरप्रूफ होते हैं। हो जो हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है। यस इट्स सो अमेजिंग। प्लीज मैम नेम बोलिए, किसका नेम बोले? सुंदर आईलाइनर कौन सी है मैम? कलर बार, उसके पहले गाला लगाया है फिर कलर बार की लाइनर लगाई है। अभी काम करना है, इयररिंग्स बनना है। लिपस्टिक शेड इज फ्रॉम मैक एंड इट्स feels so grand. So this is the most important part, क्योंकि ये नथ बहुत ज्यादा important है। एक दिन आपसे कौन सा महाराष्ट्र सॉन्ग पे जिसमें copyright ना आए वो play करो। जाने से पहले आप लोगों को सबको YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड माई YouTube चैनल इज पीके मेकअप स्टूडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई Instagram आईडी इट्स kashijin613।
अगेन सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.